आइए बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास टेंथ की चैप्टर टू पॉलीनोमियल्स की बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी, सीबीएसई एसक्यूपी 2021 के टर्म वन के पेपर से है। क्या है? द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द पाथ ऑफ डाइवर व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज अ पैराबोला। जो फिगर दे रखी है किसकी दे रखी है? एक डाइवर, ठीक है, जो स्विमिंग करने वाले होते हैं, वो जंप ले रही है। क्या दिखा रहे? क्लियरली इट इज अ पैराबोला। ये क्या है? पैराबोला है। ऑब्वियसली जब आप डाइव करोगे तो ऐसी शेप लोगे, ठीक है। आगे, एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 feet अबव द वॉटर लेवल। एनी का खड़ी है डाइविंग बोर्ड पे जो कि 48 feet ऊंचा है वॉटर लेवल से। शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, करते जंप लेती है। हर हाइट अबव द वॉटर लेवल एट एनी टाइम टी इन सेकेंड इज गिवन बाय द पॉलीनोमियल दिस। सबसे क्रूशियल लाइन है ये, हर हाइट अबव द वॉटर लेवल एट एनी टाइम टी। उसकी हाइट, बेसिकली मैं सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसकी हाइट और टाइम का रिलेशन है। मींस अगर मेरे को पता लगाना है कि एनी वन सेकेंड में कहां थी, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरे को पता लगाना है एनी वन सेकेंड पे एनी की हाइट कितनी होगी, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहां टी की जगह वन पुट कर दूंगा। टू सेकेंड में तो टी की जगह टू, यानी टाइम और हाइट का एक रिलेशन, इक्वेशन बना दिया। ओके आगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसकी फिगर प्लॉट करते हैं। इसकी फिगर कैसी है? अगर मान लो ये मेरा क्या बोलते हैं पूल है, तो एनी का है ऑलरेडी 48 feet अबव है, तो एनी यहां से जंप ले रही है। ओके अब मेरे को कुछ नहीं पता, पर एक चीज पता लगी है कि जब वो स्टार्ट कर रही है उसकी हाइट कितनी है। उस समय स्टार्टिंग पे उसकी हाइट है 48, ओके, एंड टाइम कितना होगा उस समय जब स्टार्ट जंप स्टार्ट करने लगते हो? टाइम होगा 0। तो सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन 41, सबसे पहला हाइट है 48 जब टाइम है 0। ये वैल्यू डाल दो यहां पर, एच टी -16t² + 8t + k। आई रिपीट, ये जो इक्वेशन है ये हाइट और टाइम का रिलेशन है, यानी टाइम डालो हाइट निकालो, सिंपल। तो यहां पर होगी हाइट होगी 48 और टाइम होगा 0 सेकेंड्स, 0 का स्क्वायर प्लस 8 × 0 + k। तो सबसे पहला पॉइंट k मेरा आ गया 48। ओके, what is the value of k? k is 48. At what time will she touch the water in the pool? किस टाइम पे वो टच करेगी वाटर को? तो यानी यहाँ एनी की हाइट कितनी होगी जब वो वाटर को टच कर रही है, तो एनी की हाइट कितनी होगी उस समय? 0। तो क्वेश्चन 42 में हाइट हो जाएगी 0 और टाइम निकालना है, डाल दो एच टी में 0 -16t² + 8t + 48। अब सॉल्व करने के लिए यहां से -8 कॉमन ले लो, -8 क्या बचेगा? 2t² + t। -8 लिया तो साइन चेंज, अच्छा माइनस क्यों लिया? क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2t² - t - 6। -8 इधर आके 0, 2t² - t - 6। अब इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए, 2 × 6 = 12, और माइनस करूं तो 1 आ जाए, तो दैट इज 4 and 3। 2t² - 4t + 3t - 6 = 0। टेक आउट कॉमन, कॉमन आएगा 2t, क्या बचा? t - 2 + 3 t - 2, एक बनेगा 2t + 3
और एक बनेगा टी माइनस टू, तो यहां से टी की वैल्यू आई माइनस थ्री बाय टू, टी की आ गई टू। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, तो टी आ गया टू। ओके, ये आंसर भी आ गया मेरा। अब आते 43। रीटाज हाइट अबव द वॉटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल पी टी विथ जीरोस माइनस वन एंड टू। रीटा की हाइट एक और पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट करिए जिसके जीरोस क्या है, माइनस वन एंड टू है। अच्छा जी, फिर देन पी टी इज गिवन बाय, तो कहते हैं इनमें से पी टी कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, आपके पास जीरोस है, जीरोस है माइनस वन एंड टू। अगर पॉलिनोमियल बनाना है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एस एक्स क्या था, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ जीरोस, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप में से कई स्टूडेंट ने इसको इस तरह पढ़ा होगा, इसे अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, इसे अल्फा बीटा बोलते हैं, तो ये चॉइस अपनी अपनी है। फिलहाल सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस वन प्लस टू दैट इज वन, प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन इंटू टू दैट इज माइनस टू। अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू। जरा मैच करो एक मिनट, एक्स नहीं आएगा इस बार टी आएगा, क्यों, क्योंकि पी टी, टी से डिनोट कर रहे वेरिएबल, तो के टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू। एक भी पॉलिनोमियल नहीं है जो मैच करे ऐसा, टी स्क्वायर प्लस टी है यहाँ पर, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, फिर क्या करे सर। एक बात जानो, के याद है, के केस फॉर कांस्टेंट, कि कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए। जरा ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन तो फिट ही नहीं बैठ रहा, तो कट गया, दूसरा भी फिट नहीं बैठ रहा, अब बचते तीसरा और चौथा। क्या करो, अगर मैं यहां से 24 कॉमन ले लूं, क्या बनता है, ये होता है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टू, ये ऑप्शन भी नहीं है। अरे सर, एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो कुछ और फॉर्म में आएगा, डोंट वरी। एंड लास्ट माइनस ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर टी, अगर यहाँ से माइनस ट्वेंटी फोर ले लूँ तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्जाम में अगर ये मान लो क्वेश्चन आएगा तो फिर बोलेगा कि हम के को एज्यूम कर लेते हैं माइनस ट्वेंटी फोर, ओके, अदरवाइज आपने यहीं तक ही छोड़ना है एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा ये। 44। अ पॉलिनोमियल QT विद सम ऑफ जीरोस एज 1 एंड प्रोडक्ट एज माइनस 6 इज मॉडलिंग अनुज हाइट इन अबव द वाटर। सेम है, इस बार जीरोस कितने हैं, 1 एंड माइनस 6। QT कौन से इक्वेशन से गिवन है, तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं क्वेश्चन 43 के लिए। जीरोस है मेरे 1 एंड माइनस 6, सम क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 6 दैट इज माइनस 5, प्रोडक्ट 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6। पॉलिनोमियल क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस माइनस 5x प्लस माइनस 6 इंटू के, तो क्या बना, के टी स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5t माइनस 6। चेक कर भी मैच करता हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 5t, ओ माय बैड, यहाँ पे ऑलरेडी सम दे रखा है आपको, तो और भी इजी हो गया काम, यहाँ पे आपको सम दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट, सम है माइनस वन, प्रोडक्ट है 6, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, टी स्क्वायर
माइनस वन टी माइनस सिक्स, मैच करो टी स्क्वायर माइनस वन टी माइनस सिक्स से, पहला नहीं, यहाँ पे प्लस है ये, तो ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ से देखो, अगर माइनस एट कॉमन लूँ तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये आ गया मेरे को। लास्ट, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, नेगेटिव एक दूसरे के, माइनस ट्वेल्व टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टी स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री डी प्लस के माइनस थ्री डी प्लस 48। अब इसके जीरोस नेगेटिव है, यानी एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, के की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मेरे को पता है क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यानी अल्फा प्लस माइनस अल्फा माइनस बी के माइनस थ्री, ए कितना है माइनस ट्वेल्व, कट गया, ये हो गया जीरो, के माइनस थ्री बाय ट्वेल्व, इसे इधर भेजो तो जीरो इज इक्वल टू के माइनस थ्री, के की वैल्यू हो गई थ्री, ये आंसर हो गए, के की वैल्यू थ्री, नोट डाउन प्लीज़।